नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी न्यूज चैनल में। कृषि से जुड़ी खबरें, फसलों के भाव और सरकारी योजनाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए देखते हैं कॉटन, कपास और बिनौला खल के भाव को लेकर एक्सपर्ट अजय केडिया की राय। नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। आज 23 जून, कल के सेशन में फिर से हमने कॉटन सीड ऑयल किक के अंदर अच्छा खासा मूव आते हुए देखा। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये लग रहा था मार्केट में गिरावट आएगी, फिर से प्राइसेस में तेजी आई जो 2210 तक का लेवल दिखाया। पर जैसे हमने पहले भी कहा था कि 2220 और 2240 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट है, अनलेस एंड अंटिल कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज नहीं आती है और 2240 का लेवल नहीं तोड़ता तो पॉसिबिलिटी हम 2150-60 तक का लेवल देख पाएंगे। कल के सेशन में हमने देखा कि पूरे ही कॉम्प्लेक्स में गिरावट का रूप था, जहां हमने कॉटन के प्राइसेस में 0.25% की गिरावट देखी और प्राइसेस 15,920 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। कपास में भी हमने 0.5% की गिरावट देखी जो 1025 का लेवल क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में जिस ढंग से हमने 2150-55 का लेवल देख रहे थे, 2160 के ऊपर मार्केट जाके क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, जो 0.25% से ज्यादा की गिरावट था। इंटरनेशनल में आज की बात करें तो कॉटन अभी भी सुस्त है, यूएस चाइना के बीच में तनाव बढ़ा हुआ है, बट अटकलें लगाई जा रही है रिजॉल्व भी हो जाएगा। बट अनलेस एंड अंटिल 60 के ऊपर वीकली बेस पे होल्ड नहीं करता तो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बड़ी तेजी दिखाई नहीं दे रही है एज ऑफ नाउ। टेक्निकली 58 का एक अच्छा बेस है और 60 का इमीडिएट रेजिस्टेंट है, ये रेंज में ही कॉटन इंटरनेशनल ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक मार्केट पे हमने भी देखा कि प्राइजेस में जिस ढंग से एकाएक अच्छा उछाल आया था, इसके चलते मार्केट में थोड़ी बहुत डिमांड चली थी, बट ओवरऑल हाई प्राइजेस की वजह से थोड़ा सा मार्केट स्लंप है, जिसकी वजह से कल हमने एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आते हुए देखा। साथ में ऑलरेडी जो हमने एक्सपोर्ट के आंकड़े आते हुए देखे या जिस ढंग से फंडामेंटल देखे, फंडामेंटल में तो कोई मेजर चेंज नहीं है, तो मुझे लगता है टेक्निकली जब तक 2240 का लेवल कॉटन सीड ऑयल के या 16,350 के ऊपर कॉटन नहीं तोड़ता है, प्रॉबेबिलिटी है मार्केट साइडवे टू नेगेटिव ही रहेगा। आज के सेशन में भी अगर हम बात करें तो कोई भी उछाल 2170-80 तक का लेवल मिले तो बेच के चलिए, 2140 का लेवल तोड़ने पे 2110 तक का लेवल हम कॉटन सीड ऑयल केक में, जबकि कॉटन के प्राइसेस में हम 15,800 से 15,750 तक का लेवल देख पाएंगे। कॉटन सीड ऑयल केक के अगर चार्ट की बात करें तो आप देखिए 2240 का एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर बना हुआ है जो हम पिछले साल से देख रहे हैं कि काफी क्रुशियल था। और हम अगर जनवरी ऑनवर्ड्स बात करें तो जब तक प्राइजेस इसके नीचे थे हमने एक बड़ी गिरावट ही आते हुए देखा। तीन चार बार मार्केट ने कोशिश की है कि 2210-20 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो अनलेस एंड अंटिल 2220 या 2240 का लेवल नहीं तोड़ता है पॉसिबिलिटी है कि हम एक प्रॉफिट बुकिंग देख पाएंगे। बड़ी गिरावट भी नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे 2100 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। जून महीने से ही हमने देखा जब से प्राइजेस ने 2100 का लेवल तोड़ा है तब से मार्केट कंटिन्यू एक दायरे में बना हुआ है। इससे पहले भी हमने देखा है मई महीने में भी 2100 का लेवल छूता है और फिर टूट जाता है, अप्रैल में भी हमने देखा 2100 का लेवल छुआ और फिर टूट गया, इससे पहले भी हमने देखा यहाँ पे 2100 का लेवल छुआ और टूट गया। तो अनलेस एंड अंटिल 2100 का ये नीचे क्लोज नहीं देता है, 2080 के नीचे क्लोज नहीं देता है, पॉसिबिलिटी है प्राइजेस 2220 से लेकर 2100 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा।